भोजपुरी फिल्मों के साथ साथ राजनीति के मैदान में भी पारी खेल चुके अभिनेता रवि किशन आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अपनी कला और मेहनत के दम पर रवि किशन को ये मुकाम हासिल करने में काफी संघर्षों का सामना करना पड़ा। मुंबई के सांता क्रूज में 17 जुलाई सन 1969 को जन्मे रवि किशन ने एक सफल अभिनेता के रूप में कई किरदार निभाए हैं। उनके ये किरदार दर्शकों के बीच काफी यादगार रहे हैं। बचपन से ही एक्टिंग का शौक रखने वाले रवि किशन के पिता पंडित श्याम नारायण शुक्ला चाहते थे कि वह उनका दूध का व्यापार संभाले, लेकिन इस दबाव के बावजूद रवि ने अपने शौक को पहली प्राथमिकता देना सही समझा। बचपन में रवि घर वालों से छुपकर रामलीला में सीता का रोल किया करते थे। रवि किशन ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि इस बात का पता चलने के बाद उनके पिता ने उनकी खूब पिटाई की थी। वह 2012 में झलक दिखला जा सीजन 5 में भी एक प्रतियोगी रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने साल 2006 में बिग बॉस में भी भाग लिया था, जिसमें उनका 90 दिनों का सफर लाजवाब था। इस शो के बाद जब रवि किशन बाहर निकले तो उनके लिए बॉलीवुड से लेकर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सभी रास्ते पूरी तरह से खुल गए। बता दें कि साल 2003 में रिलीज हुई सलमान खान की फिल्म तेरे नाम में उन्होंने भूमिका चावला के मंगेतर का किरदार निभाया था। यह फिल्म उनके करियर के लिए काफी सफल साबित हुई थी। इस फिल्म के लिए रवि किशन को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया था। वही साल 2005 में आई उनकी भोजपुरी फिल्म कब हुई गवनवा हमार को सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। वे एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्हें एक साथ हिंदी और भोजपुरी के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलने वाली फिल्मों का हिस्सा बनने का गौरव मिला। वहीं करीब 26 साल पहले शादी के पवित्र बंधन में बंधे रवि और प्रीति एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं। रवि किशन भले ही आए दिन चर्चा में बने रहते हों, लेकिन प्रीति लाइमलाइट से दूर ही रहना पसंद करती हैं। एक इंटरव्यू के दौरान रवि ने बताया था कि वे कक्षा 11 में ही प्रीति को दिल दे बैठे थे, तभी से वे प्रीति को पसंद करने लगे थे और उन्हें अपना लाइफ पार्टनर भी बनाना चाहते थे। लेकिन इससे पहले उनका नाम भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चटर्जी के साथ भी जुड़ चुका है। काफी समय से पहले एक इवेंट में रवि किशन और रानी चटर्जी को साथ में देखा गया था। तब उन्होंने रानी से शादी को लेकर मीडिया से बातचीत में कहा था कि अगर उनकी शादी नहीं हुई होती तो वो खुद उनसे शादी कर लेते। दोनों एक्टर्स जब साथ होते हैं तो एक अच्छा ब्रांड शेयर करते हैं। वहीं दोनों की जोड़ी को ऑफ स्क्रीन भी काफी पसंद किया जाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल द यूपी हेडलाइंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।